बलियापुर थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप, क्षेत्र में फैली सनसनी। बलियापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर पंचायत के कादा कुल्ही निवासी 26 वर्षीय किरण देवी को जलाकर मारने की घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताते चलें कि बीती रात लगभग 12 बजे किरण देवी को जलाकर मार दिया गया। इस बात का आरोप लगाते हुए मृतका किरण देवी की बहनों का कहना है कि पति देवेंद्र कर्मकार, सास जोशना देवी एवं चाचा ससुर शंकर कर्मकार को एक साजिश के तहत जलाकर मारने का आरोप लगाए। हालांकि मामले को हत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मृतका के बहनों का कहना है कि पति देवेंद्र कर्मकार अक्सर ही शराब का सेवन किया करते थे एवं अक्सर उनकी बहन के साथ मारपीट किया करते थे। इसके लिए कई बार पंचायती भी हो चुकी है। साथ ही बहनों का आरोप है कि मृतका के चाचा ससुर शंकर कर्मकार की बुरी नजर उनकी बहन पर हमेशा से रही है। अक्सर उनके पति के अनुपस्थिति में घर आकर अश्लील बातें किया करते थे, साथ ही साथ अपने पति को छोड़ देने की बातें भी किया करते थे। साथ ही साथ मृतका के बहनों का आरोप है कि घटना घट जाने के कई घंटों बाद जानकारी दी गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई, जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं जानकारी मिलते ही बलियापुर पुलिस भी मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया गया। बलियापुर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। त्वरित कार्यवाही करते हुए मृतका के पति देवेन कर्मकार को पूछताछ के लिए बलियापुर थाना ले आई है। GBN 24 न्यूज के लिए बलियापुर से उमेश चौबे की रिपोर्ट। कैसे लगी आग आपके पत्नी के शरीर में जो आग लगी है? हम तब देखे नहीं, कब पता चला कि आग लग गया? जब आग जब लग गई, चिल्लाने लगी, तब हमको पता चला था। हम गए तो मम्मी को भी बुलाएं, आग लग गया, देख ली बहुत तो आग लग गया पूरा। तब बुलाने गए चाचा को बुला दिया, गांव वालों को बुला दिया। आग लगी उस वक्त आप कहाँ थे? उस समय हम घर में नहीं थे। कहाँ गए थे आप? गए तो बोले। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर आगे चिल्लाए, फिर मम्मी को भी बुलाए, फिर चाचा को जाकर बुला दे, तो चाचा लोग गांव वालों को। आग बुझाने का प्रयास नहीं किया आप? जैसे कर नहीं पाए। क्यों, आपके अधांग नहीं हो रही है ना? तो इतना आग लगा हुआ था, हम नहीं कर पाए, पूरा डर गए थे। साथ फेरा लिए हुए हैं, बचाने के लिए आप प्रयास नहीं किए, क्यों? कई सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। नहीं कर पाए। हम लोग का किरण हमेशा बोलती थी कि ये लोग है ना, ये मास्टर बाप का नाम है, क्या नाम है इसका शंकर। उस शंकर वो बोल रहा है कि दीदी आ लेता है इतना बूढ़ा आदमी, ठो घर, और घर में मेरा कोई नहीं रहता है, हमेशा हमको गंदा बोलता है। ये शंकर कौन है? कहाँ वो उसका उसके सास तो बेटी घर में रहती थी, देवेन काम पे जाता था, और किरण हमेशा अकेले रह। वो बोलता था कि जब किरण बोलती थी कि तुम हमको घर आके गंदा बोलता है, तब बोलती कि हम एक डॉक्टर के हिसाब से पूछे हैं, तू का डॉक्टर है? आज जो आए हैं आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं। क्या हो गया? हम लोग को इंसाफ मिले? क्या हो गया, क्या हुआ है? इसी लोग के वजह से हुआ है। क्या हुआ वो बताइए। आग लग गया, आग लगा दिया गया है। किसे आग लगा दिया गया? मेरा बहन को, किरण देवी को। किसके द्वारा आग लगाया गया है, क्या आप बोलना चाह रही हैं? ये शंकर बोल रहा है ना, उसी के द्वारा, उसी का पत्नी लोग एक बार मारी थी पूरा मेरे बहन को, तब हम यहाँ आए थे, बॉन्ड उन्ड लिखवा के गए थे। इससे पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है इनके साथ। शंकर की वाइफ और शंकर की भाई के बहू है ना, वो मारी थी किरण को, तब हम बोले थे कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग आ रहे हैं। तब हम लोग आए तो मेड मठ करके और लिखा पढ़ी करवा दिए थे, तो किरण बोली थी कि दीदी हम घर जाएंगे फिर झगड़ा होगा, तो हम बोले फिर झगड़ा होगा ना तो तुम हमको फोन करना, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और देखिए हम लोग फोन भी नहीं की, बिचारी के पास फोन नहीं था, तो आग लगा दिया ये लोग। कब आग लगा दिया? लैटरिंग गया था, यही लोग आग लगा के भाग गया होगा सर। अब बाद में बोल रहा है। खबर कब मिला आपको? खबर हम लोग को करीब 2 बजे मिला, रात को। हाँ रात को। घटना कितने बजे की है? घटना वही हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि हम लोग 11 बजे ही हुआ है, मतलब बीती रात की है। हाँ बीती रात की है, लेकिन हम लोग को 2 बजे इन्फॉर्म किया, फोन किया, सो मेरा मोबाइल में नहीं, दूसरा का मोबाइल से किया था। तो वो हम लोग मामला हम लोग को सुबह में करीब 8 बजे सूचना मिला कि एक घरवर गाँव में जो एक महिला जल गई है, तो हम लोग जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे,
और देखे कि घर में जो है महिला जली हालत में पूरी बुरी तरह जल चुकी है थी, और जो है अब ये हम लोग जाँच कर रहे हैं कैसे जली। उनके परिवार मैके वाले भी आए हैं यहाँ, और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ किसी से विवाद था यह है, लेकिन इस बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग लाश को कब्जे में ले के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, और लिखित आवेदन मिलता है इसके बाद हम लोग अग्रिम कार्रवाई जो है करेंगे। असर क्या लग रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या? ये देखिए, ये तो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग के देखें और हमारे संज्ञान में है कि ये जली हुई है। अब कैसे जली है ये तो अनुसंधान का विषय है, इसको अभी हम सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। परिजन क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? परिजन तो जैसे परिजन बोल रहे हैं कि इनके बगल के पड़ोसी जो हैं चाचा उचा जो हैं उनसे इन लोग का कुछ घरेलू विवाद चलता था, तो वो लोग उनको कह रहे हैं कि यही लोग ऐसा किया है, लेकिन जो हम लोग को लिखित आवेदन मिलेगा उस पर उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।